बुधवार को बासोपट्टी प्रखंड के अरघाबा पंचायत अंतर्गत विराटपुर गांव में 3 दिवसीय राधा अष्टमी पूजनोत्सव को लेकर 151 कुमारी कन्याओं द्वारा भव्य कलशोभा यात्रा निकाली गई, जो राड और अरघाबा का परिभ्रमण करते हुए मनमोहन के बछराजा नदी से पवित्र जल लेकर पूजा स्थल पहुंचे। यहां पुजारी हनुमान दास और बद्रीदास के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कलश को स्थापित किया गया। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, कलवाही उप प्रमुख चंद्र प्रकाश यादव, शिक्षक अनिल पासवान, विनोद पासवान और पूजा समिति के सदस्यों ने फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया। इससे पहले पूजा समिति के द्वारा उपस्थित अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग माला एवं दोपटा पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि और उप प्रमुख ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में सभी कार्यों को करते हुए अपने संस्कार और संस्कृति को भी जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। आयोजक समिति और ग्रामवासियों से पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील करते हुए राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाया। इस अवसर पर पूजा समिति के बद्रीदास और संजीव पासवान ने बताया कि राधा अष्टमी का आयोजन 25 वर्षों से किया जा रहा है। इस मेले में झूला, मिठाइयों की दुकान और आज मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध मैथिली गायक माधव राय का आज का कार्यक्रम आयोजित की गई है। यहां अगल बगल के सभी गांवों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। इस मौके पर गुरु शरण यादव, शिक्षक अमरनाथ यादव, मोहन यादव, अजीत कुमार, मनिंदर पासवान, साधु पासवान, बद्री पासवान, विनोद पासवान, गुरु शरण पासवान, विजय यादव, बालेश्वर पासवान, नंदन पासवान, लक्ष्मी पासवान, अरविंद पासवान, मोहन यादव, चंदन पासवान और विकास कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बताइए सर, आज आप पूजा के उपलक्ष्य पे यहाँ आए हैं, फीता काट कर मेला का उद्घाटन किए हैं, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे राधे कृष्ण उत्सव है जी। इस अवसर पर जो भी मेला के आयोजक हैं, तमाम ग्रामीण और सभी श्रद्धालु भक्त को मैं शुभकामना एवं बधाई की कामना करता हूँ। और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन में, आज के अवसर पर सभी लोगों को इस बात से ज्ञात होना चाहिए, सीखना चाहिए कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है जी, जो आजकल जो शारीरिक प्रेम में लोग पागल हुए फिरते हैं और बहुत सारे गलत सलत काम करते हैं, उनका उद्देश्य जो गलत है वो गलत उद्देश्यों में नहीं भटके, और जो राधे कृष्ण का जो प्रेम है, वो भावनाओं का जो प्रेम है, वो स्नेह है, उस स्नेह के रूप में लोगों से एक दूसरे से प्यार और प्रेम बना करके रखें, सामाजिक सौहार्द बना करके रखें और आपस में लोग मिलजुल कर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए, आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है, क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है, क्या बल्दिया के समय आपको भयंकर जलन और सुइया सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है, खाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।